ये मेरी मेन लाइट है, मतलब जो मेरी मेन लाइट हुआ करती थी। कैमरा सेटिंग्स मैंने चेंज करी हैं क्योंकि अब मार्केट में ये आ गई है। एनीवे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मग बैंग। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो हैवी मील कंज्यूम करना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली एक फूड रिव्यू। कुमार रेस्टोरेंट, आप में से बहुत लोगों ने देहरादून में एटलीस्ट जो रहते हैं उन्होंने नाम सुना होगा, कुमार स्वीट शॉप, कुमार वेजिटेरियन, काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रेस्टोरेंट या फिर स्वीट शॉप आप बोल सकते हो कुमार है। भानुभा में जोमेटो में देख रहे थे तो कुमार वेजिटेरियन नाम से एक रेस्टोरेंट है, वो उन्हीं का आउटलेट है। तो उसके जो रिव्यूज़ थे डिलीवरी के वो मतलब बेहद बुरे थे, बेहद बुरे। ऐसा नहीं कि डिलीवरी के लिए ख़राब थे, खाने के लिए खराब थे। तो आज मैंने कुमार वेजिटेरियन से खाना ऑर्डर कर रखा है, कुछ आइटम्स ऑर्डर कर रखे हैं। भानु भैया मेरे को ज्वाइन करने वाले हैं इस वीडियो में और आज हम ये देखने वाले हैं कि जो उनको रिव्यूज़ मिल रखे हैं क्या वो सही रिव्यू हैं या फिर कुमार का नाम अब थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है देहरादून में। अभी भानु भैया से चॉपिंग बोर्ड से कुछ आइटम्स गिर गए थे तो वो हमने वापस से रीऑर्डर करे, तो उनको आने में आधा पौना घंटा लग गया, बट फाइनली सब कुछ आ चुका है। तो कुमार वेजिटेरियन से आज हमारे पास कश्मीरी मलाई कोफ्ता जो कि इनके बेस्ट सेलर में आता है, राइट हैंड साइड में हमारे पास पनीर टिक्का मसाला अगेन जो कि बेस्ट सेलर में है और ये सबसे महंगा आइटम था इनके सभी वेज आइटम्स में से। पीछे की साइड है हमारे पास चना विद अमृतसरी कुलचा भाई, जिसकी बहुत शक्ल लोडेड है, बहुत लोडेड काफी है, ज्यादा हैवी है। बहुत और है। नीचे की साइड है मेरे पास रखा हुआ अनियन कुलचा, वहीं राइट हैंड साइड में है अपने पास एक वन पीस में गार्लिक बटर नान और भी काफी ज्यादा रोटी वगैरह है हमने मंगा रखी जो कि अभी साइड में रखी है, खोली नहीं है क्योंकि अभी इतनी जगह नहीं थी। तो फटाफट से पहले इन्हीं आइटम्स के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं अपने इनिशियल रिव्यूज इन सभी आइटम्स के बारे में। परंपरा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं कर रहा। गिर जाता है भाई, पनीर टिक्का मसाला इनके मेन्यू में सबसे महंगा वेज मेन कोर्स आइटम। लेट्स सी हाउ इट इज। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। राइडर वहां बंद करो। इतना बढ़िया लगा कि तू ऐसा हाथ ऊपर करके भाई मजा आ गया। अरे तूने बताया कि कुमार को मंगाया? हम्म, वो इंट्रो में बता रहे हैं तो बढ़िया रहा भाई। तो भाई ये है अनियन कुलचा फुली लोडेड, बिना किसी चीज के भी इसको ट्राई करके ही देखते हैं कैसा हो रहा है। चटनी वटनी नहीं है? हम्म, चटनी नहीं दी उन्होंने एक्चुअली, कुलचा चटनी या बटर। वैसे चने बहुत मिलते हैं, अभी मैंने पंजाब में खाया था ना। दम है, फुल अनियन से लोड है। एक्चुअली जो नेगेटिव रिव्यूज थे ना डिलीवरी वालों में ही थे मोस्टली, और सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के लगे थे कि नान अच्छी नहीं थी, चुई थी या कुलचा अच्छा नहीं था या रोटी, बट अभी तक तो ठीक ही लग रहा है क्योंकि तो जाना माना रेस्टोरेंट है। भानु भैया एक्चुअली कि पूरा का पूरा ये गिर गया था। चने और ये वाला आइटम कश्मीरी कश्मीरी मलाई कोफ्ता गिर गया था भानु भैया, मतलब प्लेटिंग करने के बाद गिरा, लगाओ वी वर सो क्लोज। सही है, स्वीट है और ये स्पाइसी है अभी, बट स्वीट इतना भी स्वीट नहीं है। हाँ मतलब वैसा वाला नहीं है कि यार कभी एकदम से ओवर लगता है ना, खाया नहीं जाता। चलो भाई, ये तो मेरे को पहले पता चल गया जब गिरा था ना, स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी। हाँ जब ये गिरा था इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। ओए होए, बट लास्ट टाइम मैंने काफ़ी अच्छी तरह से निकाला था ये जो इसका क्या बोलते हैं इसको, रोगन, रोगन था वो पूरा अच्छे से साइड किया था मैंने। फायदा क्या हुआ, गिर गया इसलिए मैंने नहीं निकाला एक बार। टेस्टी हो रहा है खाना, बढ़िया। मैं तो सोच रहा था कमियां निकालेंगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब इतने इतने नेगेटिव रिव्यूज थे ना लगातार। हाँ, रीसेंट सारे रिव्यूज वन स्टार ही दे रखे यार सबने, पता नहीं क्यों। या तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी ट्राई करें अमृतसरी कुलचा विद, ये एक्चुअली कॉम्बो है। ये कॉम्बो में था, प्याज बहुत भर भर के दिया है। लेकिन अब जैसे रिव्यूज ज़्यादातर ना वो लोग डालते हैं जिनके साथ बुरा होता है, जिनका अच्छा होता है वो डालते नहीं। हाँ जाते।
वो आराम से खा के सब भूल भाल जाते हैं। ये बात भी तूने सही कही भाई, जिनका बुरा होता है वही रिव्यूज डालते हैं कि यार रिव्यू डालूंगा कि बेकार हुआ, मजा नहीं आया, बट अच्छा होने पे कोई नहीं डालता क्योंकि एक्सपेंसिव तो बहुत है। हाँ भाई, हाँ एक और बात, बहुत एक्सपेंसिव है, हाई एंड है प्रॉपर। एक बार खा रखा है हमने यहाँ, तेरे को याद नहीं होगा, बहुत पहले खाया था। अरे मज़ा आ गया छोले में। हाई एंड भाई, मतलब प्रॉपर हाई एंड है। चना विद अमृतसरी कुलचा, दो कुलचे ना, दो कुलचा और ये अमृतसरी चना, यही क्वांटिटी है अप्रॉक्सीमेटली 450 का, 450। ये तो चलो तब भी ठीक है, कोई सोच सकता है क्योंकि दो कुलचे नहीं, बट तब भी एक्सपेंसिव, तब भी एक्सपेंसिव है। और दही पापड़ी चाट भी देखा था, वो भी 300 245 चार भल्ले ना ये। अब बाकी पनीर सब 450 की रेंज में थे, ये 525 का, पता नहीं क्यों, और यही क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी है। टेस्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मैं अभी जलंधर में खाया था ना कुलचे, कुलचा लैंड नाम का है, बहुत फेमस आउटलेट है वहाँ, उधर मसाला कुलचा और नॉर्मल कुलचा ऐसा था, 60 या 70 रुपये का था शायद, एक 60 या 70 भी बिल्कुल करारा, थोड़े से ऐसी चने टाइप छोले मिलते हैं और खट्टी चटनी हल्की सी, भाई मज़े। पनीर भाई, एकदम सॉफ्ट पनीर है भाई, बढ़िया। दूसरा कुलचा दे दो भाई मुझे भी, ये है ना थोड़ा सा खा, फिर नान नून खाते हैं। रायता होता है ना अगर, और मज़ा आ जाता। रायता लग रहा है तो भरवा है कुछ नान है, ये वो है काबुली नान, काबुली नान है। लो फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैं वो भूल गया था लिखना कि प्लीज डोंट कट माय नान इनटू पीसेस। हाँ तो इन्होंने ये देखो कुछ ऐसा रहा होगा अलग टाइप का नहीं ये इसी का, ये इधर से फोल्ड हो रखा थोड़ा सा। एक बारी मैंने वो नान खाया तो था, अजीब सा नाम था जिसका, उसमें गोले की फीलिंग थी, नारियल की। नारियल तो काबुल का पता नहीं, फेमस तो ना होगा। काजू, काजू ड्राई फ्रूट भरा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, बट मुझे अभी तक इसमें किशमिश का भी टेस्ट आ गया, किशमिश भी है, काजू का भी आ गया। हाँ 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 तो राइट टेस्ट ड्राई फ्रूट का। बट भाई सुपर हैवी, हाँ यार मेरे को तो भी बड़ा मस्त लग रहा है कोफ्ता। उनको कोफ्ता बढ़िया लग रहा तो मतलब होगा, क्योंकि उनको मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत टाइम बाद हो रहा है कहीं से कुछ मंगाया और सारे आइटम अच्छे लग रहे हैं, वरना जनरली कुछ एक अच्छा होता है एक उतना अच्छा नहीं होता, खासकर बड़े रेस्टोरेंट से जब भी मंगाते हैं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो भाई जोमेटो में जिसने रिव्यूज डाल रखे हैं, डाले होंगे, एक आधी बार तो होता ही होगा शायद ना किसी के साथ, क्या बोलते हैं। ओए होए, मैं नान वान में अब तक यार कोई प्रॉब्लम तो लगी नहीं, ज़्यादा चुई भी नहीं है। एक आध का मैं देख रहा था उसमें सभी नान हर एक चीज़ कुलचे के लिए लिखा टू मच चुई, ऐसा कुछ तो नहीं भाई, बड़ा हैवी बहुत है, बहुत ज़्यादा हैवी है, हालत ख़राब से हुई। उसको मेरी थोड़ी नाक बंद है ना, चने भी हैवी हो रहे यार, तो मुझे दिक्कत हो रही खाने में। मेरे को याद है बहुत लोगों ने वो लिख रखा था तंदूरी रोटी 45 रुपये की है, लेकिन वर्थ इट नहीं है। चलो देख लेते हैं, ये है बटर तंदूरी रोटी 45 रुपीस। ओ तेन
ये जी चूहिए ये अब इसका पता नहीं आ रहा, तो गरम गरम खाने में सही लगती है वहाँ पे। वैसे भी हमने नान नून खा लिया ना, तो टाइम भी बहुत हो गया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में मंगाया था। अगर 45 रुपीज़ की कोई ये मंगा रहा है ना एक तंदूरी रोटी, तो उससे बेटर है 90 रुपीज़ का नान मंगा लो। नान मंगा लो, साइज सेम है। हाँ बस ये कि मैदे का होता है या आटे का होता है, इतना फर्क। जो आटा खाना चाहते हैं वो तंदूरी रोटी खाते हैं। तंदूरी रोटी मेरी साइड से चन्नो, चन्नो के साथ जो अमृतसरी कुलचा है बहुत ही ज़्यादा है अभी। ओके हाँ, ये पहला जो ऑर्डर है ना ये थोड़ा सा वो हो चुका है, ठंडे हो गए क्योंकि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। सब भ्राताश्री की वजह से हुआ है। ओले बटन आने, अरे छोलों की शक्ल देख के मेरा मन खुश हो जा रहा है। ये वो वाले छोले हैं, मतलब कि छोले भटूरे के साथ जब आप खाते हो, दो भटूरे खाने के बाद आपका जी उब जाता है, फिर आपका ऐसा होता है नहीं आज के बाद 2-2.5 महीने के लिए नहीं खाना। ये वो वाले छोले हैं, बहुत हैवी यार मैं। हैवी हो गया भाई मामला। वैसे हो रहे हैं डामडा में नहीं मिलता छोले भटूरे के साथ छोला। ये आलू और पनीर शायद ऐसा करके बनता है शायद, मिक्स करके। वहाँ पे खाओगे तो और भी अच्छा है। ओह भाई इस वाले में तो बहुत दिख रहा है यार गार्लिक, वो बटन नान था मैं बोल रहा हूँ। पनीर तो हमने खाया नहीं कुछ, ये भी नहीं खाया ज़्यादा, ये भी नहीं खाया। नहीं खाया बहुत है लेकिन ये प्लेट्स गहरी वाली। अच्छा ये काफ़ी कुछ ऐसी प्लेट नहीं हमारे पास दिखाने के लिए भी एक्चुअल साइज उनका। ये है यार गार्लिक नान, ओह मेरे को छोटा वाला दे भाई, ये छोटा ही है वाली मैंने बोला। ऐसा भाई देखो गार्लिक भर भर गया। ओ भाई साहब एविडेंट, गार्लिक नान के बस एक डिसएडवांटेज, काफ़ी टाइम तक इसको रख नहीं सकते आप, क्यों खराब हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही इसमें तो गार्लिक है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने ऐसे तोड़ा हो या इधर उधर उछलते हुए गया, पूरे ठसके गार्लिक के आ रहे मुंह में जाके ना, है ना। और यार ऐसा लग रहा है वो मतलब अपन लहसुन ही खा रहे हैं कच्चे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्चुअली। टेस्ट आ रहा ना गार्लिक का, आज इनको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही भाई। आज आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, कैसे लग रखे ना आज पता नहीं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिर्फ गार्लिक है और रोटी भी कम है इसमें, तो गार्लिक में नान डाला हुआ है, नान में गार्लिक नहीं डाला है इसमें। तो मेरा पेट भर गया, वीडियो के स्टार्टिंग से हम खा ही रहे हैं बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं खाया हमने। अब मैंने शुरू में गलती नहीं की मगर सब हैवी आइटम उठाया ना, कुलचा फुल स्टफ्ड था, अनियन वाला भी और अमृतसरी तो कुछ ज़्यादा स्टफ्ड था। ये प्लेट भी गलत हो रहा है, नहीं प्लेट प्लेट सही है, छोटी प्लेट में आता नहीं फिर वो उतना। तेरी तबीयत खराब है ज़्यादा मत खा, लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट। पंजाब में भी खतरनाक ही सूता मैंने। अच्छा आप तो पंजाबी हो क्या है? यही खाया मैंने, कुलचे लस्सी, कुलचे लस्सी। जम्मू में भी ठीक ठाक खाया बट जम्मू में वो मस्त लगा मुझे, बग्गर के राजमा चावल, शर्मा के बग्गर वाले राजमा चावल बहुत फेमस है, काफ़ी यूट्यूब वालों ने कवर कर रखा हो। सबसे पहले उसने करा था ना अपना टिकट टू एक्सप्लोर, टिकट टू एक्सप्लोर में जो शैलेश कब्बू है, मेरे को उसी टाइम पे यहाँ जाना है भाई।
और सावन चल रहा है वरना मैं उधर भी जाता, जांगी की बिरयानी, वो मटका बिरयानी मिलती है उधर मटके के अंदर। अमृतसर में जाना था, नहीं जा पाया, सिर्फ केसर दा ढाबा गया, जानती रहती है। और वहाँ का खाना बहुत खतरनाक है, सिर्फ घी में एक कुलचा मत खाना, बस ये नान खत्म कर रहा हूँ, तबीयत खराब हो जाएगी, मत खा ये, खा कह रहा हूँ नान खत्म कर रहा हूँ। एक तो ये लास्ट हमने ये गलत करा, पहले ये खाना चाहिए था, लास्ट में गार्लिक नान नहीं खाना चाहिए था, गार्लिक गार्लिक कटे सा। ओके और नीचे वो है ना जलेबी है, घेवर है, थोड़ा थोड़ा वो तो मैं खाऊंगा, गला खराब है मेरा। वैसे भी ये वीडियो तो मेनली ये था कुमार का खाना देखने के लिए। कुमार का खाना बढ़िया होगा, जो बहुत बड़ी बड़ी जगह से मंगाया हमने, खाना बेकार आता है। इसका तो मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि मैंने रिव्यू देख के उसको बोला भाई रहने देते हैं, रिव्यू अच्छे नहीं, तो इसने बोला नहीं नहीं भाई मंगा के देखते हैं, इतने बुरे रिव्यू क्यों हैं। हमने काफ़ी हाई एंड रेस्टोरेंट से मंगा रखा है खाना, और एक ना एक आइटम डिसअपॉइंटिंग रहता है, डिसअपॉइंटिंग रहता रहता है, मिनिमम बोल रहा हूँ, कहीं के हर आइटम डिसअपॉइंटिंग रहते हैं, बट ये पहले बार ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली सारा आइटम बहुत बढ़िया है। एक्सपेंसिव है मगर क्वान्टिटी अच्छी है उस हिसाब से। तो आई बिलीव आज के लिए इतना बहुत है, दिस इज इट फॉर टुडे, आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस। भैया भाई उठने की हिम्मत ना हो रही है, इतना भी खा कहाँ खाया भाई, मेरे को हैवी हो गया ना, मैं मेरी आदत नहीं है ना इतना खाने की। खैर अच्छा हुआ आपने मेरे को सही टाइम पर रोक दिया, तेरी हालत खराब होने वाली थी। नहीं नहीं सही में अगर हैवी खा लेता मैं तो तबीयत मेरी बात भी कर दी।